ओ भाई आवाज नहीं आ रही क्या आगे? लेट्स गो। चूतिए चूतिए लोग भरे हुए हैं। साला खुद पे कभी बीते ना जब पता लगे इंसान को। हाँ क्यों आप अच्छा पता नहीं चला आपकी आवाज जब मैं साइड में देखो तो पता नहीं मुझे। अभी देखो ओवरटेक करेगा ये आ गया सारा देख रहे हो चला रहा ये पता नहीं चालू नहीं हो रही भाई चालू नहीं हो रही। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ गाइज। अभी हो रहे हैं दिन के बज रहे हैं 4। अभी हमारा प्लान कुछ ऐसा है, अभी हम चला रहे हैं कल भाई की हंटर 350। इसको हम लगाएंगे कल भाई के घर के बाहर, देन हम उनकी कार उठाएंगे और निकल जाएंगे पुष्कर के लिए। बिकॉज गाइज पता नहीं कैसे हमारे प्लान बनते। नॉर्मली कल भाई और कपिल भाई बैठे हुए थे, हमारा प्लान बन गया। तो चलते फटाफट अभी कल भाई के घर पहुंच जाते हैं, वहां से उठाएंगे कार, फिर हम निकल जाएंगे फाइनली उड़ते हुए पुष्कर के लिए और मस्त एक व्लॉग बना के आते हैं गाइस। लेट्स गो। भाई एम्बुलेंस को जान दो यार। ओ काका, ओ भाई आवाज नहीं आ रही क्या आगे? लेट्स गो। चूतिए चूतिए लोग भरे हुए हैं। साइड ले भाई, इसको भी साइड ले। मतलब नॉनसेंस लोग हैं, वो पीछे से हॉर्न दे रहा है, आवाज नहीं आ रही, लोगों को बहरे हो गए हैं। साला खुद पे कभी बीते ना जब पता लगे इंसान को। नहीं सुनेंगे तो चिल्लाना ही पड़ेगा भाई, और तो क्या करें। और हाइपर होने की जरूरत नहीं है, अभी हमको पहुंचना भी है अप्रॉक्स गाइस। यहाँ से पुष्कर है 150 किलोमीटर। हाँ क्यों? हाँ थैंक यू भैया। अरे कोई बात नहीं, वो तो अब वो बार बार क्या बजा रहा था। थैंक यू भैया। A few minutes later. Okay guys, तो ये खड़ी हमारी वाइट ब्यूटी जिसमें हम जाने वाले। मेरी नज़र में ट्रैवल के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, हम दोस्तों के लिए। और गाइस हमने हमारे साथ ये हमारा GoPro का माउंट भी कैरी कर लिया है, जो हमारी कार में लग जाएगा, जिससे आपको अच्छे से हम सिनेमैटिक शॉट्स भी दे सकते हैं और टाइम लैप्स भी हमारा अच्छे से बन जाएगा। 20 minutes later. आधे घंटे से इस लड़के ने वेट कराया हमें। गाइस देखिए खुल चुकी है, बैग हमारा लग चुका है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, वो दिखाता हूँ आपको। हैं भाई गाड़ी किसकी है? तेरी, तू साफ करेगा? हाँ सॉरी मेरी भी है, मैं कर दूंगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, यहाँ लगा हुआ है सीट के ऊपर ये गद्दा, बिकॉज कल भाई की हाइट है छोटी तो उनको जरूरत पड़ती है इसकी। कुछ नहीं, व्लॉग देखना आपको व्लॉग में पता लगेगा। कुछ भी नहीं, देख लेना व्लॉग में। क्या से क्या हो गया गाइस। तो फाइनली हम बैठ चुके हैं कार में, हमने हमारा जो माउंट है वो लगा दिया है, मस्त डीओ भी पड़ा हुआ है, थोड़ा डीओ लगा लेते हैं यार। हट साला खत्म है, लेट्स गो। बढ़िया देख रहे हो बंदे को, कैंपर वैम्पर सब लाया है यार, कल जैसा भाई की सबको मिले यार। बंदा पैसा करना हो इसलिए बंदा कैंपर वैम्पर सब लाया है, मुझे पता है मम्मी ने पूरी टेक केयर करके भेजी है इसको। साल ये करेगा गद्दी में बैठने, देखो अपनी गद्दी में बैठ गए ये। वो मिलता कॉन्फिडेंस मिलता कटिंग करने। पीछे देख, अब चल रहे हैं, रुकना थोड़े ना। गणेश जी का है, हाथ का जोड़ू, जय हो गणेश जी महाराज। ओके गाइस चलते हैं, अभी कपिल भाई और पीयूष भाई को हमें घर से उठाना है, तो फटाफट चलते हैं और ले लेते हैं भाइयों को, फिर निकलते हैं फटाफट पुष्कर के लिए। अभी टाइम हो चुका है 4:41, तो अप्रॉक्स 8 बजे तक तो हम पहुँच ही जाएंगे। यार लोग हटते नहीं है यार, कितना भी हॉर्न दे दो, वहाँ एम्बुलेंस वाला फंस गया था बेचारा। ये कंपटीशन खेल रहा है क्या तू? हॉर्न बजा रहा, रेस लगा रहा है क्या? नहीं देख देख आएगा, देख रेस लगाएगा, देख देखियो। गेट खोल दूँ? देख देख हॉर्न पे हॉर्न दे जा रहा बंदा, निकल नहीं रहा। अभी देख ओवरटेक करेगा, ये आ गया सारा देख रहे हो चला रहा। काका की हिम्मत देख रहे हो भाई साहब। गाइज मैं अपना सेटअप पहन के गाड़ी तो चला रहा हूँ, पुलिस वाला भी सोचेगा साला ये सेफ्टी के ऊपर सेफ्टी कुछ ज़्यादा ही फॉलो करना। तो अभी इसमें फ्यूल एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो अभी डलवा लेंगे, बिकॉज अप्रॉक्स हमारी गाड़ी 300-400 किलोमीटर चलने वाली है। कार्ड पड़े हैं ना पापा के? हैं कार्ड पड़े हैं? वो क्यों बोल रहा बंदा, क्या दिक्कत है कार्ड पड़े हैं पापा के? चलो
कपिल भाई, कपिल भाई बिग फैन। ओके गाइस, तो फाइनली आ चुके हैं कपिल भाई, तो व्लॉग करेगा नहीं करेंगे व्लॉग? करने दे व्लॉग, नहीं करें हैं व्लॉग, नहीं करें, खुद ही दिख रहा है नहीं करें व्लॉग। तो जल्दी चलना, चल रहा हूं भाई। क्या खा रखा तूने? नहीं तो भाई समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? Two hours later. उड़ा दोगे अंकल को? ओके गाइस, तो अभी हमारी गाड़ी चल चुकी है 85.6 किलोमीटर। भाई साहब फ्लो फ्लो में ऐसे उड़ते हुए आया ना, लिटरली बता रहा हूँ, पेट्रोल डलवाने ही भूल गए हम। तब जाके कल भाई ने ध्यान दिया, नहीं तो भाई आज और कल भाई धक्के लगाते। कपिल है? कपिल और पीयूष कॉपीराइट, कॉपीराइट, कॉपीराइट। चलते फटाफट और सीधा पुष्कर पहुंच के मिलते हैं आपसे। क्या किया है? बर्फ फैक्ट्री पे घर है। अरे बर्फ फैक्ट्री पे घर है। कौन सी फैक्ट्री? बर्फ फैक्ट्री। धन्यवाद अंकल जी। क्या उन्होंने बोला? घर बोल देना, बर्फ फैक्ट्री पे छोड़ देगा। ओके गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पुष्कर और अभी हमारे भैया हमें फॉर्चून में लेना है। भैया हैं हमारे यहाँ पे हमारे को घुमाने के लिए, देखते हैं कौन सी जगह पे हमें घुमाने लेके जाते हैं। पहले बात कर लेते हैं भैया से। बस ये तेरी गद्दी उठा ले अपने हाथ में। कल कब से चाबी निकाली गाड़ी की? ओके गाइस, तो भैया आ चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं पहले होटल बुक करने, देन देखते हैं क्या करना है। और फॉर्च्यूनर को यहीं खड़ा कर दिया। The next day. Good morning guys, स्वागत है आपका पुष्कर में। यहाँ खड़ी है हमारी दोनों कारें और रात को हम व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज अंधेरा हो चुका था, ना ही हमें होटल मिल रहा था, कुछ भी नहीं था। एक दो होटल ढूंढे घटिया से थे, फिर फाइनली आज आके हमें भैया का घर मिल गया। तो अभी भैया के ऑफिस में हम रुके थे रात को, पूरी प्लानिंग से यहाँ पे सारा कुछ सामान वामान लगा के आराम से गद्दे वद्दे लगा के सो गए रात को, मस्त बढ़िया। कपड़े वपड़े सारे चेंज कर लेते हैं फिर निकलते हैं बढ़िया पुष्कर एक्सप्लोर करने। ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे, सब पास में है भाई, 5 किलोमीटर के अराउंड पूरा पुष्कर खत्म हो जाता है। 1 hour later. ओके गाइस, तो अभी हो रहे हैं 10:30। अभी हम चलाएंगे स्प्लेंडर बिकॉज हम मोटो व्लॉगिंग सेटअप लाए हैं, तो भैया के पास थी बाइक और अभी हम चलाने वाले हैं स्प्लेंडर, भैया और आएंगे ग्रैंड आइटम से। तो आज हम करने वाले हैं डेजर्ट सफारी, तो बढ़िया थार में मस्त ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। तो अभी हम चला रहे हैं बढ़िया स्प्लेंडर और ये चालू नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया इसको। बढ़िया नहा धो के तैयार हो चुके हैं, अब फाइनली एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया है हमारा पुष्कर। ये पता नहीं चालू नहीं हो रही भाई, चालू नहीं हो रही। अबे यार हो गई, लेट्स गो पुष्कर जैसे जगह पे मस्त ऑफ रोडिंग और गांव की ये स्प्लेंडर, आए हाय क्या मस्त वाइब देती है प्रॉपर गांव वाली। तो अभी भाई लोग हमारे आगे आगे चल रहे हैं, हमें करना है इनको फॉलो। तो मस्त तुम्हारा भाई आज मोटो व्लॉगिंग कर रहा है, हमारा प्लान वैसे बाइक लाने का था प्रॉपर मोटो व्लॉगिंग, पर भगवान की दया है कि वो भी हमारे साथ ही है, तो प्रॉपर हमको बाइक दिलवा दी यहाँ पे, भले स्प्लेंडर दिलाई कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमारी जो डेजर्ट सफारी है उसके लिए जो जीप हमें बुक करनी थी वो जीप भी हमने बुक कर ली है, तो बस जाना है और वहाँ मस्त उदम मचाना है, डेजर्ट सफारी करनी है, खूब मज़ा आएगा गाइस। चलते हैं फटाफट और एक्सप्लोर करते हैं। स्प्लेंडर में मोटो व्लॉगिंग करने का भी अलग ही मज़ा है भाई, एक नंबर गाड़ी, बड़ी प्यारी।